रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं IYS की इस्लामियात की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको क्लास 7 की इस्लामियात पढ़ाऊंगी और आज का हमारा टॉपिक है अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 44 और 45 में मौजूद है। लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ हिदायात हैं, आप नोट कर लीजिए। जो अहादीस आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है और उनका तर्जुमा आप उनकी स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, और जो भी बात है उसको कॉपी और पेंसिल उठाकर सेव कर लीजिए, अपने पास नोट कर लीजिए। क्लास के दौरान कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा, क्लास के आखिर में आपको मौका दिया जाएगा। आप लोग जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो क्लास के आखिर में पूछ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले, शुरू करने से पहले हदीस का तारुफ देना चाहूंगी कि हदीस क्या होती है। हदीस अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मायने बातचीत और गुफ्तगु के हैं, मगर दीन में इससे मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुफ्तगु फरमाते उसे हदीस नबी कहते हैं। हदीस की क्या अहमियत है? इस्लाम की बुनियाद दो चीजों पर है, इनमें से एक कुरान पाक है और दूसरी चीज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे शब की तमाम तफसीलात निहायत एहतियात के साथ महफूज की और उनके बाद लोगों तक पहुंचाई। अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और अताअत का हुक्म दिया है। इरशाद बारी ताला है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको जो दें वो ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। डियर फ्रेंड्स, इत्तबा और इताअत का मतलब है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, यानी जो का जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करें वही अमल हमने अपनी जिंदगी में करना है। कुरान मजीद के अहकाम पर इस वक्त तक अमल करना मुमकिन नहीं है जब तक इनके बारे में अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मालूम ना कर लिया जाए। मसलन कुरान मजीद हमें नमाज कायम करने का हुक्म देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि नमाज किस तरह कायम की जाए, नमाज के फराइज और वाजिबात क्या हैं। और इसी तरह ज़कात का हुक्म तो कुरान मजीद में आया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ज़कात कितनी अदा की जाए और ज़कात का निसाब क्या है। ये सब चीजें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुरान मजीद के मुताबिक जिंदगी गुजार कर दिखाई, गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कुरान की अमली तफसीर है। अजीज तलबा और तालिबात, आपके सिलेबस में 10 अहादीस शामिल हैं, जिनमें से पहली 5 निकात अव्वल में हैं, तो मैं आपको आज उनका तर्जुमा और तशरीह शेयर करूंगी। पहली हदीस है, हदीस चूंकि अरबी में है, आप लोग बहुत गौर और तवज्जो के साथ सुनिएगा। इज़ा उक़ीमत अस्सलातु फला तअतूहा तसअउना वअतूहा तमशूना वअलैकुमुस्सकीनतु फमा अदरकतुम फसल्लू वमा फातकुम फअतिमू। तर्जुमा है, जब नमाज खड़ी हो जाए तो उसके लिए दौड़ते हुए ना आओ, बल्कि इत्मीनान और वकार के साथ चलते हुए आओ। जो नमाज तुम पालो उसे अदा कर लो, और जो तुमसे रह जाए उसे पूरा कर लो। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज बाजमात के आदाब बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि जब नमाज की जमात खड़ी हो जाए तो फिर नमाज के लिए दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जमात के साथ नमाज अदा करना अकेले नमाज अदा करने से 27 गुना अफजल है। और इस सवाब को हासिल करने के लिए हमें चाहिए कि बाजमात नमाज अदा करने के लिए वक्त पर मस्जिद पहुंचे, ताकि जमात का पूरा पूरा सवाब हासिल कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, वक्त पर हम वक्त से पहले कब पहुंच सकते हैं? जब हम सब काम छोड़कर अजान सुनते ही नमाज की तैयारी शुरू कर दें। मगर बाज लोग अजान की आवाज सुनकर भी अपने काम जारी रखते हैं, जिसके नतीजे में वक्त तंग हो जाता है और फिर जल्दी जल्दी वजू करके दौड़ते हुए मस्जिद का रुख करते हैं। इसलिए इस हदीस में ताकीद की गई है कि नमाज के लिए बाकायदा जहनी और जिस्मानी तौर पर तैयारी करके मस्जिद जाना चाहिए। इस हदीस मुबारक में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में नमाज के लिए आने के आदाब सिखाए हैं। अव्वल तो ये कि जमात के वक्त सबसे पहले पहुंचे,
और अगर बिलफर्ज किसी वजह से लेट हो गए हैं और जब मस्जिद पहुंच के देखा कि नमाज टाइम हो चुकी है, तो अब दौड़ कर जमात के साथ नहीं मिलना चाहिए, बल्कि अदब और एहतराम को मुलव्वज़ रखते हुए, यानी किसका अदब और एहतराम, मस्जिद का अदब और एहतराम मुलव्वज़ रखते हुए बड़े वकार और इत्मीनान के साथ चलते हुए जमात के साथ शरीक होना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज बाजमात के लिए दौड़ कर आने को मना फरमाया है, क्योंकि इस तरह जमात में अगर पहुंच भी जाए तो सांस फूली होने की वजह से नमाज पढ़ने में दुश्वारी होगी, अल्फाज आप सही से अदा नहीं कर पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के लिए आते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि हम किस हस्ती के सामने खड़े होने के लिए हाजिर हो रहे हैं, इसलिए हमें बहुत अदब और एहतराम के साथ, सुकून और वकार के साथ चलते हुए नमाज में शरीक होना चाहिए, ताकि अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो सके। और इसके लिए जमात में हमें क्या करना है, वक्त से पहले पहुंचना है, और अगर मजबूरी की वजह से देर हो जाए तो भी भाग दौड़ के बजाय शाइस्तगी से चलकर जमात में शामिल हों, फिर जितनी रकात बाजमात मिल जाए उन्हें पूरा करें और बाकी बाद में मुकम्मल करें, लेकिन भागते दौड़ते जमात में शरीक होना अल्लाह को सख्त नापसंद है। हदीस नंबर 2, लिस्फाइनी फरहतानी फरहतुन इंदा इफ्तारही व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बी। डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ पर जबर की गलती है, आप उसे जेर कर लीजिए। मैं दोबारा से पढ़ लेती हूँ, लिस्फाइनी फरहतानी फरहतुन इंदा इफ्तारही व फरहतुन इंदा लिकाई रब्बी। तर्जुमा है, रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी उसके इफ्तार के वक्त और एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ्तार के वक्त रोजेदार को जो खुशी नसीब होती है, खुशी नसीब होती है क्योंकि सारा दिन रोजेदार भूखा और प्यासा रहता है, लेकिन अफ्तार के वक्त उसके लिए एक खुशी का सामा होता है कि जब भूख प्यास की हालत में अल्लाह की नेमतें हासिल होती हैं और तरह तरह के खाने सामने होते हैं और जो रौनक और मुख्तलिफ अशिया अफ्तारी में मुयस्सर आती हैं, वो यकीनन रोजेदार के लिए खुशी का बाइस होती है। नफ्स पर काबू पाने के लिए रोजा बेहतरीन इबादत है। जब दुनिया भर की नेमतें सामने हो और कोई रोकने वाला भी ना हो, लेकिन रोजादार इन नेमतों की तरफ नजर नहीं डालता और ना चखने का ख्याल दिल में लाता है। जब गर्मियों के जब रोजे होते हैं तो हमें शदीद प्यास लग रही होती है, पानी हमारे पास होता है, मशरूब शरबतें हमारे पास होती हैं, लेकिन हम दुनिया से छुप कर भी ये काम नहीं करते क्योंकि हमारे दिल में खौफ होता है कि अल्लाह हमें देख रहा है। इस तरह इसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मौजूदगी का एहसास पुख्ता होता है। जब सारा दिन भूख प्यास से निढाल होकर मखसूस वक्त पर इफ्तार करते हैं तो ये नेमतें और लजीज लगती हैं, यानी इन नेमतों को हासिल करके और ज्यादा मजा आता है। इन नेमतों से लुत्फंदोज होना पहली खुशी है, और दूसरी खुशी उस वक्त हासिल होगी जब अपने रब से मुलाकात करेंगे। इस तरह जब रोजादार जब हम अपने नफ्स पे काबू पाते हैं और तमाम की तमाम जो दुनियावी ख्वाहिशें हैं उसको रोक कर हम जो है रोजा रखते हैं, और जब अपना रोजा मुकम्मल कर लेते हैं तो अल्लाह की तरफ से ईद का दिन खुशी की सूरत में मिलता है। दूसरी खुशी जो रोजादार को नसीब होती है वो इस वक्त कि जब वो अपने रब से मुलाकात करता है तो अल्लाह ताला रोजेदार शख्स को जन्नत में आला मकाम अदा करता है। और रोजे के अजर के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। रोजेदार के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत में एक खास दरवाजा रखा है जिससे सिर्फ रोजेदार ही जन्नत में जाएंगे, जिसका नाम रियान है। रोजेदार जब अल्लाह के पास जाएंगे तो अल्लाह ताला इनको इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल करेगा, जो उनके लिए खुशी का बाइस होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला को
मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंद है। पहली खुशी क्या हुई कि जब हमने रोजा रखा तो जो अफ्तार का वक्त है उससे इंसान को खुशी नसीब हुई, और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात कि जब हम अपने रब से मुलाकात करेंगे तो उस वक्त सच्ची नियत से रोजे रखने पर अजर इनाम से नवाजा जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोजे के अजर के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। हदीस नंबर 3, तीसरी हदीस है हमारे पास, ला युमिन अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबीअल लिमा जितु बिही। तर्जुमा, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश उसकी तालीम के मुताबिक ना हो जाए जो मैं लाया हूँ। कुरान की नजर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम ईमान का लाजमी जुज है। हमें हुक्म दिया गया है कि हम अपनी ख्वाहिशात और मर्जी को अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढाल लें तो हर खौफ और हर गम से निजात मिल जाएगी। एक मोमिन का ईमान उसी वक्त मुकम्मल होगा जब वो अल्लाह पर कामिल यकीन रखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतातों फरमाबरदारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल करके ही ईमान की तकमील मुमकिन है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तालीमात लाए हैं जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुपुर्द की है, और उन पर अमल करने की सूरत में ईमान मुकम्मल होगा। अगर मुसलमान अपनी ख्वाहिशात को कुरान के अहकाम के ताबे कर लेता है तो फिर उससे कोई बुरा अमल होने का इम्कान नहीं रहता, क्योंकि ख्वाहिश भी अगर नेक है तो अमल भी नेक होगा, यानी जो काम हम दुनिया में कर रहे हैं वो भी नेक होगा। कुरान और सुन्नत पर अमल करने से दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है, आपस के ताल्लुकात खुशगवार होते हैं। इस हदीस में अपनी ख्वाहिशात को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाल लेने की ताकीद की गई है, और ये कब मुमकिन होगा, ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत। इंसान की फितरत में अल्लाह ने अच्छाई और बुराई की तमीज का मादा रखा है, इसलिए इसे चाहिए कि वो नेकी और अच्छाई को इख्तियार करे और बुरे कामों से इज्तनाब करे और अपनी ख्वाहिशात को शरीयत के ताबे करे। यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात लाए हैं हमारे लिए, हमें उस पर ही अपनी जिंदगी बसर करनी है। ईमान का तकाजा है, यही हमारे ईमान का तकाजा है। इस हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात की तलकीन की है कि आदमी उस वक्त हकीकी मोमिन नहीं हो सकता और ईमान की लज्जत नहीं पा सकता जब तक अपने आप को शरीयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत का पाबंद नहीं कर लेता। 4, हदीस नंबर 4 है आपके पास, अर्रौशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ, अर्रौशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। तर्जुमा, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों दोजखी हैं। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। रिश्वत वो नाजायज तरीका या रकम है जिससे आदमी नाजायज काम अपने हक में करवाता है या नाजायज काम निकालने के लिए या किसी पर जुल्म करने के लिए या फिर किसी का हक मारने के लिए रुपया पैसा कबूल किया जाए या फिर तोहफे वगैरह इस मकसद के लिए कबूल किए जाएं, इसे रिश्वत कहते हैं। इस अमल की वजह से इंसाफ से काम नहीं लिया जाता और किसी का हक मारा जाता है। रिश्वत उस वक्त ली और दी जाती है जब गैर कानूनी या गैर उसूली तौर पर कोई गलत काम किया जा रहा है। इस अमल की वजह से इंसाफ से काम नहीं लिया जाता। जिस माशरे में लोगों के साथ नाइंसाफी होती है वहां बदअमनी और बेएतबारी पैदा होती है, यानी रिश्वत एक माशरती बीमारी है। इस्लाम हर इंसान के बुनियादी हकूक को अहमियत देता है,
इसीलिए इस हदीस के जरिए खबरदार किया गया है कि रिश्वत लेने वाले और देने वाले का ठिकाना जहन्नुम है, क्योंकि ये दोनों शख्स नाइंसाफी और बदअमनी के जिम्मेदार हैं। यानी वो शख्स जो रिश्वत ले रहा है उसको भी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। अगर हम तमाम के तमाम बुनियादी हकूक को पूरा करेंगे, यानी अगर एक गरीब बीमार है और उसको उसके हकूक के मुताबिक अच्छी से अच्छी दवाई मुयस्सर करेंगे, अच्छा से अच्छा अस्पताल मुयस्सर आया जाएगा, तो फिर हमें कभी रिश्वत ना ही लेनी पड़ेगी और ना ही देनी पड़ेगी। रिश्वत एक माशरती बीमारी है, यानी पूरे माशरे में इससे बिगाड़ पैदा होता है। अगर किसी माशरे में रिश्वत आम हो जाती है तो वहाँ के आवाम का जमीर मुर्दा और रूह बीमार हो जाती है। यानी हम हर छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए किसी को पैसा देकर अपना काम निकलवाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारा जमीर मुर्दा हो जाएगा, यानी हमें किसी हर दूसरे बंदे का एहसास खत्म हो जाएगा। इसीलिए रिश्वत देने वाले को और रिश्वत देने वाले के मुतालिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि वो जहन्नुम का ईंधन है। अगर हम रिश्वत लेंगे किसी गलत काम के लिए, किसी पर जुल्म करने के लिए, तो हम सीधा जहन्नम में जाएंगे। और अगर हम देते हैं अपना कोई भी काम निकलवाने के लिए, अपना कोई भी नाजायज काम निकलवाने के लिए, अपने पेपर्स को पास करने के लिए, या फिर कोई भी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर पैसे देकर और फिर अपने काम को करवा लेते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, वो रिश्वत के जमरे में आ जाएगा। और बहुत सख्ती से मना किया गया है कि रिश्वत लेने वाला भी और रिश्वत देने वाला भी, चाहे वो बहुत थोड़ी रकम हो या उसके लिए बहुत कोई बड़ा तोहफा लिया जाए, वो दोनों नाजायज है। उनको लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी है। हदीस नंबर 5, हदीस नंबर 5 है हमारे पास, अजीज तलबा और तालिबात, अला कुल्लुकुम राइउ व कुल्लुकुम मसूलुन अर रईअतिहि, अला कुल्लुकुम राइउ व कुल्लुकुम मसूलुन अर रईअतिहि। अजीज तलब तलबात, यहाँ अला नहीं लिखा हुआ आपकी हदीस में, आप लोग इसकी करेक्शन कर सकते हैं। आप लोग इस हदीस के आगे अला लगाइएगा जो कि आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अला के मायने खबरदार करने के हैं, आप लोग अपनी किताब में इसे दुरुस्त कर लीजिए। इसका तर्जुमा है, खबरदार तुम में से हर एक निगहबान है और तुम में से हर एक अपनी रैयत के बारे में जवाब दे है। इस हदीस में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के एक बहुत सुनहरी उसूल की वजाहत फरमाई है कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और जिस चीज की निगहबानी और जिम्मेदारी इसे सौंपी जाती है इसके बारे में अल्लाह ताला के सामने जवाब देना पड़ेगा। अगर हम अपने माशरे में इसको नाफिज करें तो तमाम मामलात में बेहतरी आ सकती है। दुनिया में हर शख्स किसी न किसी मामले में जिम्मेदार होता है और इस जिम्मेदारी की अदायगी के सिलसिले में कयामत के दिन वो जवाबदेह होगा। इससे पूछा जाएगा कि जिन लोगों या चीजों का वो निगरानों जिम्मेदार था उनके लिए उसने क्या किया। अब चाहे वो मुल्क का हाकिम हो या किसी इदारे का मुंतजम, घर का सरबराह हो यानी घर का बड़ा हो, उनमें से कोई भी अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज करेगा तो उसकी सख्त पकड़ होगी। इस हदीस में सबसे पहले जिस चीज की ताकीद की गई है वो एहसास जिम्मेदारी है। इस्लाम ने हर शख्स को किसी न किसी चीज का जिम्मेदार ठहराया है। मसलन हुक्मरान अपनी रियाया के हुकूक का जिम्मेदार है और उनके हुकूक की निगहदाश्त करना उसकी जिम्मेदारी है। यानी अगर वो हुक्मरान है तो उसको अपनी रियाया को बेहतरीन तालीम, बेहतरीन गजा, बेहतरीन इलाज की सहूलत मुहैया करनी होगी। और इस तरह माँ बाप की भी किसके जिम्मेदार है, माँ बाप अपनी औलाद की तालीम और उनकी तरबियत के जिम्मेदार है।
और इसके बारे में उनसे सवाल किया जाएगा। गोया हर शख्स अगर ठीक तरह से अपनी जिम्मेदारी अदा करता है तो अल्लाह के ताला के सामने उस जिम्मेदारी को सही अंजाम देने पर सुरखुरू होगा, और अगर हुकूक में गफलत करता है तो फिर अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। इस हदीस में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करे और अपनी रियाया के हुकूक का ख्याल करे। लेकिन आजकल का अलमिया, आजकल की क्या बात है कि कोई भी शख्स अपनी जिम्मेदारी को सही से अदा नहीं करता, जिससे माशरे में फसाद जन्म लेता है। अगर कोई डॉक्टर है तो वैसे डॉक्टर वो अपनी जिम्मेदारी सही से अदा करे तो फिर उससे सवाल जवाब नहीं होगा, वो अल्लाह के यहाँ सुरखुरू होगा। लेकिन अगर उस डॉक्टर ने अपनी जिम्मेदारी सही अदा नहीं की तो वो भी अल्लाह ताला के सामने जवाब देगा। अगर एक टीचर है तो वो भी अपने अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करे और अपना काम सही वक्त पर मुकम्मल करे, अपने बच्चों के साथ एहसास जिम्मेदारी से पेश आए। हदीस की रोशनी में ये बात कही जा सकती है कि हर मुसलमान जिम्मेदार है, ख्वाह वो बाप हो, बेटा हो या अफसर। हर महकमे का अफसर, किसी भी महकमे का अफसर हो, वो अल्लाह की अदालत में जवाब दे। अजीज तलबा तलबात, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ना फरमाया करते थे कि अगर फरात के किनारे बकरी का एक बच्चा भी भूखा मर गया तो उमर रजी अल्लाह ताला ना कयामत के रोज खुदा के सामने जवाब दे होंगे। ये जिम्मेदारी का एहसास था कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ना एक बेवा औरत और यतीम बच्चों के लिए सामान अपने कंधों पर उठाकर ले जाते हैं, और जब गुलाम सामान उठाने के लिए इसरार करते हैं तो फरमाते हैं कि कयामत के रोज तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकोगे, लिहाजा इस सामान का बोझ दुनिया में मुझे ही उठाने दो। यानी दुनिया में हर शख्स किसी न किसी मामले में जिम्मेदार होता है और कयामत के दिन अपनी जिम्मेदारी की अदायगी के सिलसिले में जवाबदेह होगा। इससे पूछा जाएगा कि जिन लोगों या चीजों का वो निगरान और जिम्मेदार था उनके लिए उसने क्या किया। अब चाहे वो किसी भी मुल्क का हाकिम हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, अगर कोई भी अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज करेगा तो उसकी सख्त पकड़ होगी। अजीज तलबा तलबात, ये आपकी 5 हदीसें थी जिन हदीस की अरबी और उनका तर्जुमा आपको मैंने पढ़कर सुनाया, और आपको ये तर्जुमा जबानी याद करना है। आपके सिलेबस में शुरू की 5 हदीसें शामिल हैं। अब मैं आपको ये तमाम हदीसें एक दफा फिर रिपीट कर रही हूँ, आप लोग इसे गौर से सुनेंगे और इसकी तशरीह के इम्पोर्टेंट पॉइंट उम्मीद है आप लोग नोट कर चुके होंगे और जो रह गया है वो उसे दोबारा से नोट करेंगे। पहली हदीस थी, इज़ा उकीमतुस्सलातु फलातूहा तसाउना वातूहा तमशूना वअलैकुमुस्सकीनतु फमा अद्रक्तुम फसल्लू वमा फातकुम फअतिमू। तर्जुमा, जब नमाज खड़ी हो जाए तो उसके लिए दौड़ते हुए ना आओ बल्कि इत्मीनान और वकार के साथ चलते हुए आओ। जो नमाज तुम पालो उसे अदा कर लो और जो तुमसे रह जाए उसे पूरा कर लो। यानी नमाज में जब बाजमात नमाज के आदाब बताए हैं कि इसमें क्या है, मस्जिद में आने के आदाब भी आपको सिखाए हैं। फिर दौड़ कर आने को जो अपने सिस्टम में मना फरमाया, क्योंकि इस तरह जब नमाज में पहुंच भी जाए तो सही तरीके से नमाज अदा नहीं होती। दूसरी हदीस है, लिस्साइनी फरहतानी फरहतुन इंदा इफ्तारिही व फरहतुन इंदा लिकाई वब्दी। तर्जुमा है, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक खुशी उसके इफ्तार के वक्त और एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। यानी अपने नफ्स पे काबू पाकर जब हम रोजा रखते हैं तो रोजे रखने वालों को 2 खुशियां मिलती हैं। एक तो जब वो पूरा दिन भूखा प्यासा रहता है तो अफ्तार के वक्त
उसको जो अफ्तारी मिलती है वो उसके लिए क्या होती है, खुशी का बाइस होती है, और दूसरा उसको खुशी मिलेगी अपने रब से मुलाकात करने, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका अजर दूंगा। मुमिन अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबियल लिमा जितु बिही। तर्जुमा, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश उसकी तालीम के मुताबिक ना हो जाए जो मैं ला रहा हूँ, यानी वो तमाम तालीमात जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी हैं, हमें उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करनी है। हमें हुक्म दिया गया है कि हम अपनी ख्वाहिशात और मर्जी को अल्लाह ताला और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढाल लें तो हर खौफ और हर गम से निजात मिल जाएगी। चौथी हदीस है अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। तर्जुमा, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है, यानी रिश्वत उस वक्त ली और दी जाती है जब गैर कानूनी तौर पर कोई गलत काम किया जा रहा है और उस अमल की वजह से इंसाफ से काम नहीं लिया जाता और किसी का हक मारा जाता है। पांचवी हदीस है अला कुल्लुकुम राइउ व कुल्लुकुम मसूलुन अरवियतिही। तर्जुमा है, खबरदार तुम में से हर एक निगहबान है और तुम में से हर एक अपनी रैयत के बारे में जवाबदेह है। अजीज तलबा तालबात की पांच अहदीसें थी जिनका तर्जुमा आप लोगों ने जबानी याद करना है। आपका होम टास्क ये है कि आप सबसे पहले टाइटल पेज बनाएंगे अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और एक पेज पर एक अहदीस अरबी के साथ और उसका तर्जुमा लिखेंगे। इसी तरह आपने पांचों अहदीस लिखनी है और उनका तर्जुमा लिखना है और उस तर्जुमे को आपने याद भी करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी असेसमेंट शुरू होने वाली है तो आपने इसके तर्जुमे को बहुत अच्छी तरह से जबानी याद करना है। मुमताज, मैं आपको फिर रिपीट कर देती हूँ कि आपने क्या करना है, हदीस नबी का टाइटल पेज बनाना है, एक पेज पे एक हदीस और उसका तर्जुमा लिखना है। इसी तरह आपने पांच अहदीस और उनका तर्जुमा लिखना है। ये आपका होम टास्क था। तमाम अहदीसें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, हदीस नंबर एक से पांच तक, और रिपीट भी कर चुकी हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।